नेक्स्ट टॉपिक करते हैं भाई, इससे पहले एक टॉपिक बच जाता है, एरिया वेक्टर भी। एक सिंपल सी डेफिनेशन है एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर भी? एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है भी। एरिया क्या? एरिया का डायरेक्शन होता है भी। आप गोल देंगे, आपके पास कोई एरिया है 5 मीटर स्क्वेयर, क्या उसका कोई डायरेक्शन है? नहीं है भी। एरिया क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स के अंदर कई बार एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है अभी। तो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बनाते हैं इसको एरिया वेक्टर हम लोग? देखो देखो, ये बोर्ड का एरिया है कुछ ना कुछ भी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसको आपको एरिया वेक्टर बनाना है, तो फिजिक्स क्या बोलती है, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दो भी, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। दिस लाइन गिव द एरिया वैक्टर्स भी, क्या देगा आपको ये एरिया वेक्टर। देखो बहुत सी टर्म ऐसी आएंगे जिसको हम ट्रीट करेंगे जब वेक्टर, जबकि वेक्टर नहीं है अभी, ठीक है। तो कोई कंडीशन डालनी पड़ेगी उसके लिए हमको। जब भी हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की, तो हम एरिया की बात नहीं करेंगे भाई, हम बात करेंगे उस लाइन की जो इस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है इन आउटवर्ड डायरेक्शंस, उसको क्या बोला जाएगा, एरिया वेक्टर्स। और किसी को वेक्टर बनाते कैसे हम लोग भी? अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना हो तो क्या चाहिए उसके पास? मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। तो क्या करते हैं हम, उसके मैग्नीट्यूड से गुणा करते हैं उसको, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर होता है उसका भी। किसी भी वेक्टर लिखने का तरीका ये है प्लस, अगर आप किसी मैग्नीट्यूड को गुणा कर दो डायरेक्शन के साथ, क्या बन जाएगा वो, वेक्टर बन जाएगा वो, सही है कि नहीं है। तो एरिया इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, वैल्यू तो आ गई मेरे पास, क्या देनी है आपको, सर डायरेक्शन और देनी है इसकी, तो क्या बन जाएगा ये आपका, एरिया वैक्टर्स। तो लिख लीजिए, एरिया वैक्टर इज द, एरिया वैक्टर इज द परपेंडिकुलर लाइन, एरिया वैक्टर इज द परपेंडिकुलर लाइन टू द एरिया, परपेंडिकुलर लाइन टू द एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखो कोई भी एरिया है भी, कुछ भी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, मैं एरिया को ऐसे लेता हूँ, ठीक है। इस एरिया के लाइन पे एक लाइन ड्रा करो परपेंडिकुलर इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे है ये लाइन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर। अगर ये एरिया स्मॉल है यूज़ कर रहा हूँ भी, क्योंकि कई बार हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमेंट यूज़ करेंगे उसका भी। ये एलिमेंट कितना मान लेते हैं, डी एस, इसका वैल्यू है। और डी एस वैक्टर क्या है भाई, ये इसका क्या है, एरिया वैक्टर सर भी। तो डी एस वैक्टर कैसे दिखाएंगे हम लोग, डी एस मैग्नीट्यूड और एन क्या है इसका, यूनिट वैक्टर से। इस टर्म में एन की जगह वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जे लिख दो, के लिख दो, आपकी चॉइस है, जो भी आप कोडिंग जो भी करना, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कर पाओगे। तो डी एस इज इक्वल टू एन डी एस इन टू एन यूनिट वैक्टर्स भी। अब एरिया मेरा हाथ का एरिया है क्लास, अब एक लाइन ड्रा करो यहाँ पे, दिस इज आल्सो एरिया वैक्टर, और ये भी क्या है, एरिया वैक्टर है। आपको लाइन ड्रा करनी है परपेंडिकुलर टू द एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शन भी। इसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, आपकी आपको ये वाला यूज़ करना आपकी मर्जी है, ये वाला यूज़ करना आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरफ काम कर रहे हो तो ये वाला यूज़ कर लो, इस तरफ काम कर रहे हो तो ये वाला यूज़ कर लो। समझ में आई बात भाई? तो कुछ नहीं है, एरिया वेक्टर क्या है, एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द एरिया इन आउटवर्ड डायरेक्शंस भी, दिस रिप्रेजेंट द एरिया वेक्टर्स भी। हो जाएगा भी क्लास? तो आप इस फार्मूले को लिखना, आपको डी एस ये क्या है आपका, एरिया वेक्टर है, और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, डी एस मैग्नीट्यूड और एन क्या है इसका, यूनिट वेक्टर्स भी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर्स भी। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, डायग्राम बना लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बुक में इसको फाई ई से लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक उसमें भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसको फाई बी लिखा जाएगा। दिखाते हैं इसको हम लोग फाई से ही दिखाते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मैंने बोला था कि ये यूनिट दो भागों में बटी हुई है भाई, पोटेंशियल में और फ्लक्स के अंदर। पोटेंशियल पूरा वाली आपका, अब बात करते हैं फ्लक्स की भी। देखिए
आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस जा रही हैं पॉजिटिव चार्ज से एंड कहाँ पे हो रही हैं नेगेटिव चार्ज के ऊपर। अगर बीच में कोई एरिया रख दूँ उसके, तो आपको चेक करना है उस एरिया में से कितना लाइन क्रॉस कर रहा है अभी, वो लाइन का क्रॉसिंग क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर, कि गिवन एरिया में से कितना नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है, वो क्या देगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पेज डाल दो अभी, चेक करो इस पेज में से कितना नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहा है अभी, वो क्या देगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आई बात है, तो लिख लीजिए, लिखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना लाइंस पास कर रहा है कितने एरिया में से, वो क्या देगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। समझ में आया भाई, देखो लिखते कैसे हैं इसको भी। मान लीजिए मेरे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है भाई, पहले मैं एरिया बना लेता हूँ, ये कोई एरिया है, एक पेज ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, और ये दिखा रहा आपको कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ये इस पेज को रखा गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है क्लास, जहाँ पे हर जगह पे वैल्यू क्या हो फील्ड का बराबर हो, ये सर नो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये लाइन दिखा रहा हूँ पैरेलल लाइंस को, किसको दिखा रहा हूँ, ये किसकी लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी ऐसा है सिंपल, देखिए एक लाइन जा रही है उसमें कोई अपने पेज रख दिया, किसी भी एंगल पर रख दिया भाई, कोई भी एंगल हो सकता है, ये कर लोगे जीरो पे 30 कोई बना लो मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लाइन जो क्रॉस कर रही है अभी, आपको बताना है कि इस एरिया में से कितना नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रहा है अभी। कई बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, एक नंबर में क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएगा, एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि एक कॉलम चार्ज में से कितना लाइंस निकलता है अभी। जब पूछे नंबर ऑफ लाइंस निकालना हो तो क्या निकालना पड़ता है आपको, हमेशा फ्लक्स निकालना पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लिया कि एक प्लस कॉलम चार्ज है भाई, इसके अंदर कितना लाइन निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, नंबर ऑफ लाइंस पूछें तो एक ही फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी, कर लोगे। अब देखो बहुत बड़ा एरिया यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मान लेते हैं यहाँ से लिया मैंने छोटा सा एलिमेंट भी, क्योंकि हम क्या करेंगे पहले छोटे एलिमेंट के लिए निकालेंगे, उसके बाद पूरे के लिए क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसको दिखाता हूँ मैं इसका छोटे लाइन की तरह से भी, ये आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ में आई बात भाई, कर लोगे। ये आपने ऐसा मान लेते हैं ये लाइन से ऐसे आ रही है अभी, आपने ऐसे रख रखा एरिया को, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा अभी, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, या इस तरफ होगा, आपको जो यूज़ करना आपकी मर्जी है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये डीएस एरिया मान लेते हैं, स्मॉल एरिया कितना है ये डीएस, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा अभी, कौन सा एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर, कितना एंगल बना रहा है भाई ये, एनी एंगल थीटा, हम सिंपल केस ले रहे हैं कि जीरो पे ले रहे हैं 90 ले रहे हैं, सिंपल कोई भी एंगल हो सकता है बीच का भी। अगर आप ई को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट की टर्म में भी, इस तरफ कौन सा आएगा भी? बताओ इस तरफ कौन सा आएगा ई कॉस थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा अभी, बिल्कुल नीचे की तरफ कौन सा आएगा ई साइन थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक पेज दो मेरे को भी कॉपी दे, एक बार कॉपी, ये कॉपी अभी, ये एरिया है आपका, ये ऐसे है लाइन्स ऐसे जा रही हैं किसी भी एंगल पे भी, ओके हम लोगों ने रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स के अंदर भी, ये कंपोनेंट कौन सा आ रहा है ई कोस थीटा इस तरफ, यस और नो, ये कंपोनेंट कौन सा आ रहा है ई साइन थीटा इस तरफ, आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया, तो कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पेज को किस लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा अभी, ये वाला नहीं ऐसे जा रहा अभी, क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, देख लो ये ऐसे आ रहे हैं,
ये समझ में आ रहा है कि नहीं? एक सिंगल पेज है ये, कॉपी मोटी दिख रही है आपको, ये सिंगल पेज मान लीजिएगा इसको, सीट है, सिंपल सीट है, एरिया है, कर लोगे ये वाली लाइंस इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, भी ये वाला लाइन क्रॉस कर पाएंगे, तो कौन सा कंबर्ड यूज़ करना आपको सिर्फ इसका, ई कॉस थीटा का, आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कौन सी कर रही हैं अभी, हो जाएगा अभी क्लास, डायग्राम बना लो एक बार इसका, तो लिख लीजिए, लिख लेट ds इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट, ds इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट भी। अब आपको फ्लक्स निकालना है अभी, तो मान लेते हैं लेट d5 क्या है अभी, इज द स्मॉल फ्लक्स फॉर स्मॉल एरिया ds भी। तो कौन सा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लास जो इस एरिया को क्रॉस कर रहा होगा अभी, तो d5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, e cos थीटा इंटू ds भी, क्या मैंने सही लिखा? यस सर, ना अरे बता दिया करो, yes, ये यही कर रहा है क्रॉस है, ये तो कर नहीं रहा इसको, जो क्रॉस करना वही तो निकालना हमको, yes, तो d5 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, ऐसे लिख सकता हूँ ई डी एस कॉस थीटा भाई, ई डी एस ए कॉस थीटा, आपको पता होना चाहिए अभी ई वेक्टर है और डी एस हम मान रहे हैं वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ये, एरिया वेक्टर, ये वैल्यू तो कितना भाई, डी फाइव इज इक्वल लिख सकता हूँ ई डॉट डी एस वैक्टर, डॉट लिया है हमें, डॉट ऑफ एनी टू वैक्टर इज स्केलर भाई, तो पता लगा कि फ्लक्स की स्केलर क्वान्टिटी है मेरी, वेक्टर नहीं है, कर लोगे ये तो स्मॉल फ्लक्स हो गया अभी, पूरा निकालना हो तो टोटल फ्लक्स भी, फाइव इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डी फाइव, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, दिख रहा भाई, इंटीग्रेशन ई डॉट ए डी एस, इसके लिए ये सिंबल लिखा जाता है, अभी सर्कल सा लगाते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है फॉर क्लोज सरफेस पे, फ्लक्स हमेशा क्लोज सरफेस पे निकलता है अभी, ये सरफेस क्लोज है अभी, इसी का निकलेगा, इसके बाहर का निकलेगा अभी आंसर से, एक लाइन ऐसे जा रही है आप इसका निकालना चाहते हो, नहीं निकलेगा भाई, ये फील्ड में नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब होता है फॉर क्लोज सरफेस भी, आपका सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज ओपन सरफेस नहीं होना चाहिए, ओपन समझते हो, यहाँ पे लाइन जा रही है, यहाँ पे निकालना है भाई, फायदा नहीं निकालने का, लाइन क्रॉस ही नहीं कर पाए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो कितना फ्लक्स होगा यहाँ पे आके, जीरो हो जाएगा उसका फ्लक्स, ये सिंपल किसका है, देख सकते हो फॉर क्लोज सरफेस भी, नीचे लिख दीजिए फॉर क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस, जो सिंपल बीच में मैंने जो सर्कल लगाया हुआ इंटीग्रेशन का, उसका मतलब क्या है, फोर क्लोज सरफेस भी हो जाएगा, ये ओपन सरफेस पे काम नहीं कर सकता भाई, हो जाएगा भाई। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कर लें यहाँ पे, सॉरी केस बना लें इसके, डायग्राम हो गया अभी का केस भी, व्हेन थीटा इज, थीटा कितना होना चाहिए, जीरो डिग्री भी, थीटा अगर जीरो डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितना होगा भाई, फाइव ऐसे लिख दूँ मैं, ई डी एस कॉस थीटा भी, ये डी फाइव था सही है, इंटीग्रेशन कर दे, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एरिया फिक्स है, ई भी फिक्स, सब बस गया, गुण एंगल ही तो बचा हुआ है, वेरिएबल एंगल ही है यहाँ पे, तो कॉस फाइव कितना होगा, कॉस जीरो वन होगा ना, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ अभी फाइव को, ई इंटू एरिया भी, ई इंटू एरिया क्यों लिखा मैंने, ई को बाहर निकाल लिया, डी एस स्मॉल एलिमेंट है, पूरा करोगे तो एरिया ही बनना भाई, यस सर नो, या इसको ई इंटू एस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को इस बात से भी, आपकी च्वाइस अभी कर लोगे, तो ये वैल्यू कितना है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स भाई, क्वेश्चन ये पूछेगा अगर मैं एरिया को 90 डिग्री पर रख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, सॉरी अगर मैं एरिया को 90 डिग्री पर रखता हूँ विद इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी,
सोच के बोलना भाई इस बात को, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा नहीं इससे, ये नहीं पूछेगा आपसे पता जीरो पर कितना वैल्यू आएगा भाई। अगर मैं एरिया को 90 डिग्री पे रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? जीरो। गलती कर रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सही है कि नहीं है? कॉपी दे मेरे को, एरिया 90 पे कैसे रखूँ? मैंने एरिया को बोला, एरिया एंगल किसके बीच का है? ये एरिया बीच का एंगल नहीं, एरिया वेक्टर बीच का एंगल है। मैंने एरिया को ऐसे रख दिया 90 डिग्री पे, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे चला गया? इस जीरो पे चला गया भाई। नहीं समझ में आई बात भाई, कितना जा रही है, मैक्सिमम लाइन क्रॉस कर रही है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। समझ में आया कि नहीं आया? आपको घुमाएगा इस पॉइंट पे आके, वो आपको एरिया बुदेगा कि एरिया को, एरिया रखा गया है 90 डिग्री पे, एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा हो आपको, एरिया बोल रहा है। तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा इसका? ये तो ऐसे होगा या ऐसे होगा भाई? हम ऐसे निकालना चाहते हैं इस तरफ है तो कितना मैक्सिमम, इस तरफ है तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। अभी लाइन मैक्सिमम क्रॉस कर रही है भाई, नंबर का वैल्यू प्लस माइनस का नहीं होगा यहाँ पे, अभी भी मैक्सिमम ही है। इस तरफ निकालोगे तो आपको क्या चेक करना है? नंबर ऑफ लाइन चेक करनी है ना। मैक्सिमम कैसे निकलेंगी? ऐसे तो निकलेंगी। नहीं समझ में आई बात आपको? आई कि नहीं आई? अगर एरिया 90 डिग्री पर रखा गया है कि तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? किन के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है? जीरो डिग्री का। ये केस हो, समझ में आया कि नहीं आया? अभी कर लोगे? सेकंड पॉइंट डालिएगा इसका, सेकंड पॉइंट अभी केस टू। सोचना पड़ेगा आपको हर पॉइंट पे आगे कि क्या हो क्या रहा। अभी अगर थीटा 90 डिग्री पे हो तो पक्की बात है फ्लक्स कितना हो जाएगा? अभी जीरो हो जाएगा। ये सर ना कॉस 90 कितना होता है? जीरो। ये केस कौन सा होगा क्लास? 90 डिग्री पे ई कैसे होगा? ये 90 पे ऐसे होगा इसका भी, ये इसका एरिया वेक्टर है। ई का कितना एंगल बना रहा है? 90। क्या इससे कोई लाइन क्रॉस करेगा? अभी कोई नहीं करे सकता अभी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो। वो नेक्स्ट टॉपिक है गॉज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले लिखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे, ठीक है? तो लिख लीजिए एक बार, क्या बोलता है ये? इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times total charge enclosed in that surface। क्या लिखवाया गया आपको डेफिनेशन के अंदर? भी ये लिखवाया मैंने कि सरफेस इंटीग्रेशन करना है भाई, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज सरफेस, ये डी सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है? इज इक्वल टू किसके बराबर है ये? 1 by epsilon naught टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये लिख दो गुणा में, क्या लिखोगे? इन टू टोटल चार्ज भी, सही है कि नहीं है? तो क्या लिखा गया है? E.ds इज इक्वल टू Q/epsilon naught। एक्चुअली पता है क्या आपको? ये फ्लक्स ही तो है। E.ds क्या है? फ्लक्स ही है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। डेफिनेशन में डाल सकते हैं इस लाइन को भी, ये फ्लक्स ही है भाई। कर लोगे? क्या लिखवाया लैंग्वेज में? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। डेफिनेशन वही है, हो जाएगा ये गोजला। अभी
इसको उनको प्रूव करना अभी इस लॉ को, ठीक है। देखो अब ये कंडीशन है इसका, फ्लक्स का कंडीशन है कि ये फ्लक्स किसके लिए होता है, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होता है अभी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सरफेस क्या हो, क्लोज हो भी, ज़रूरी नहीं है ये बात, ठीक है। तो गॉज क्या बोलता है, अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं है तो उसको एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर कर लीजिए जिसमें क्या बन जाए, क्लोज हो जाए अभी। अगर कोई सरफेस क्लोज नहीं तो क्या करोगे, एक और सरफेस इमेजिन कर लो। मान लेते हैं ये एक आपका सीट है भाई, और चार्ज यहाँ पे है, ये सीट पे चार्ज थोड़ी आया भाई, ये तो ओपन सरफेस में है चार्ज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे इस तरह का सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा जिसमें सीट भी आ जाए और चार्ज भी आ जाए। उस सरफेस को नाम दिया गया गॉसियन सरफेस भी। अगर सरफेस क्लोज नहीं है तो इमेजिन कर लीजिए क्लोज सरफेस के लिए, जो भी आप इमेजिन करोगे वो क्या बनेगा, इट इज़ कॉल्ड ए गॉसियन सरफेस बोलते हैं उसको भी। लिख लीजिए, इसी में लिख दीजिएगा आगे, when surface is not closed then imagine a closed surface, then imagine a closed surface called Gaussian surface। लिख दोगे Gaussian भी, एन लगा दो, गॉसियन सरफेस। क्या नाम दिया है इसको उन लोगों ने, गॉसियन सरफेस बोलते हैं अभी। इस पॉइंट को कई कई बार यूज़ किया जाएगा अभी, क्योंकि गॉसला किसके लिए अप्लीकेबल है, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा अभी। ये तो था इसका स्टेटमेंट क्या है, प्रूव करें इसको भी, रब कर दे इसको इतना, ये हमें प्रूव करना अभी। प्रूफ लिखो अभी गॉसला का, ठीक है। देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है अभी, तो दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर वी। पहले भी निकाल चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किससे निकालना है, गॉसला से निकालना। प्रॉब्लम क्या है, ये जो सर पॉइंट है ये तो बाहर है भाई इस चार्ज से, ये तो ओके मैंने सरफेस से कंसिडर कर रखा है पहले से, इससे क्या है बाहर है, तो क्या करोगे, एक सरफेस मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पॉइंट के हिसाब से क्या मान लेता हूँ कि वी हैव ए सफियर भी, क्या मान लेते हैं हम लोग, एक सफियर कंसिडर कर ले, तो क्या बन जाएगा, इट इज़ अ गॉसियन सफियर भी। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन सफियर, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये तो सफियर बना, आप लोगों ने बना लिया, इस सफियर का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा भी, यस आर नो। उस एरिया में से छोटा सा एलिमेंट काट ले, यहाँ पे कितना एलिमेंट लेते हैं हम लोग हमेशा, ds लेते हैं, कर लोगे, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि e डॉट ds की वैल्यू क्या होती है अभी, ये होती है q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होती है q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको लेकर चलेंगे, इसको प्रूव कर दें, यस आर नो। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वैक्टर भी है भाई, तो इसका एरिया वैक्टर कहाँ पर होगा, कहाँ होगा, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शंस भी। यहाँ से क्या ड्रा करा, लाइन, ये किसको देगा, एरिया वेक्टर को भी, यस आर नो। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, समझ में आया भाई। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज भी है अभी, ये खुद की लाइन भी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चारों तरफ देगा भी, इस तरफ कौन सी होगी, ये भी होगी, यहाँ पर डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा भी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चारों तरफ देख लाइन है, यहाँ पर चेक करें तो लाइन ऐसे भी जा रही होगी कोई, सही है कि नहीं है, ये बोल सकता हूँ ई और डी एस में कितना एंगल बना रहे हैं हम लोग, जीरो एंगल बना रहे हैं, यस आर नो, कर पाओगे। तो कैसे लिखोगे इस पॉइंट को भी, ये पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं, यानी पॉइंट पी जहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। एक बार लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लो, लिख लीजिए, लिख लीजिए, वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ, वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ एंड वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पी. सो इमेजिन ए गॉसियन स्फीयर. सो इमेजिन ए गॉसियन स्फीयर, क्या मान लेते हैं कि स्फीयर मान लेते हैं, सही है. देखो दो तरीके करने के इसको भी, एक सिंपल तरीका ये है, ई और डी इसमें कितना एंगल बन रहा है, जीरो एंगल बन रहा है. कॉस जीरो क्या आएगा, वन आएगा, सिंपल बन जाएगा बिल्कुल तरीका. थोड़ा सा और अच्छा सा करते हैं टॉपिक को. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल जाते हो पी पॉइंट के ऊपर, कितना वैल्यू आएगा अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, फार्मूला क्या बनाओगे बताओ, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 1/4 πε0 q/r² और r क्या डाल दे इसका, यूनिट वेक्टर भाई, वेक्टर फॉर्म है सारा, सही है कि नहीं है. ये तरीका हम पहले भी फार्मूला बना चुके हैं, लिख चुके हैं, सही है कि नहीं. दूसरा बात क्या है, ds कैसे लिखते थे हम लोग ने कल किया था, ds का मैग्नीट्यूड और n इज द यूनिट वेक्टर्स भी, यही तरीका था कल मैंने किया था, इस तरीके को उसी को यूज़ कर लेंगे. नहीं तो सिंपल है भाई, cos 0 बना के आंसर निकालो, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें हमको, ठीक है भाई. ये रब कर दे, देखो भाई इस फार्मूले में पुट करेंगे एक साइड में और हम सेकंड साइड को प्रूव कर देंगे. अभी पहले यहाँ से शुरू करें, कितना टॉपिक बनाएंगे देखिए, क्या लिखे हैं, ई डॉट डी एस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड डी एस भी. ई कितना था, 1/4 πε0 q/r² r यूनिट वेक्टर्स भी, डॉट डी एस कितना है, डी एस इंटू एन यूनिट वेक्टर्स भी. डॉट में सिर्फ किसकी गुणा होती है, वेक्टर की गुणा होती है, स्केयर की गुणा नहीं होती, इसके लिए सिंपली गुणा कर लेते हैं हम लोग, कर लोगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशंस को देखिए, 1/4 πε0 q/r² डी एस, और क्या लिख दूँ, आर यूनिट वैक्टर इंटू एन यूनिट वैक्टर्स, क्या मैंने सही लिखा है, डॉट डाल के गुणा तो नहीं की करनी है डॉट के साथ, इन तो सिंपल गुणा होगी, देखो यस सर ना, डॉट याद है, डॉट में कॉस भी आता है. अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी वेक्टर फॉर्मेशंस के अंदर, आपको याद हो आई भी वेक्टर था, यस सर ना, आई डॉट आई क्या होता है, जे डॉट जे क्या होता है, के डॉट के क्या होता है, ये सभी वन होते हैं, क्यों होते हैं, आप कैसे लिखते हो किसी डॉट को भी, ए डॉट बी को कैसे लिखते हो, ए बी कोस थीटा ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ए बी कोस थीटा, इन दोनों की गुणा करो भी. आई डॉट आई मतलब क्या है, आई पहला भी एक्स में दूसरा भी एक्स ही में है, कितने एंगल बना रहे हैं, जीरो एंगल बना रहे हैं भाई. ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है आई का, आई इज यूनिट वेक्टर भाई क्लास, वन, वन इंटू वन कोस जीरो, ये भी वन, वन इंटू वन इंटू वन कितना आंसर हुआ, सेम यहाँ पे हो रहा है. आर डॉट आर का वैल्यू कितना है, वन ही है, एन का वैल्यू कितना है, वन ही है, कितना एंगल बना रहा है, जीरो, कॉस जीरो भी कितना हो गया, वन. समझ में आया भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ साइड साइड में ऐसे इसको, आर डॉट एन इज इक्वल टू वन, आर डॉट वन की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, यस और नो. तो कितना वैल्यू हुआ अभी क्लास, यहाँ से 1/4 πε0 q/r² क्या बचा, डी एस, ये वन हो गया, सही है कि नहीं है, कर लोगे हो जाएगा. अब क्या करोगे, इसको जो कांस्टेंट वैल्यू का बाहर निकाल ले, ये रब कर दे इस तरफ वाला, कांस्टेंट वैल्यू का बाहर निकालो भी. कांस्टेंट क्या है, यानी मैं ई डॉट डी एस को कैसे लिख रहा हूँ देखिएगा, ये रहा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या अभी, 1/4 πε0 q/r² क्या ये कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल है भाई, कर लोगे. अंदर क्या बचा, डी एस, डी एस क्या था, स्मॉल एलिमेंट था सरफेस का भी. अगर पूरे इस एलिमेंट को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, पूरा सरफेस एरिया ही बनेगा. किसका एरिया बनेगा, स्फीयर का एरिया बनेगा. कितना वैल्यू होता है स्फीयर का एरिया की वैल्यू बता दो, 1/4 πε0 q/r²
फार्मूला होता है 4πr² वेव, इट इज़ द एरिया ऑफ द स्फीयर वेव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक एलिमेंट पर का एरिया निकाल लिया, पूरे के लिए जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? स्फीयर का एरिया ही बनना है भाई। कितना वैल्यू होता है? 4πr² 4πr² से 4πr² काट दूंगी, कितना बनेगा वैल्यू? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू किसके भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, राइट हैंड को प्रूव कर दिया भाई। कर पाओगे? 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया भी हमारे पास। दिस इज द गॉस लॉ। डिडक्शंस ऑफ कॉलम्स लॉ। From Gauss law, next topic है deductions of Gauss law, Coulomb's law from Gauss law. Coulomb's law हम पहले भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग यहीं से किया था हम लोगों ने टॉपिक की। आपको Coulomb's law प्रूव करना है अभी, किससे? Gauss law से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करोगे बताओ? इसमें सफीर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्टार्टिंग किससे करेंगे कि हमारे पास एक चार्ज है अभी, पॉजिटिव चार्ज, और ये कोई सफीर माना रखा पहले से, क्योंकि Gauss law में मानना पड़ेगा अभी। ये कितने रेडियस पे है? R। इस पॉइंट पे निकाला था हमको वैल्यूज, तो क्या मान लिया हम लोगों ने, एक सफीर कंसिडर कर लिया था। ठीक है, पहला डायग्राम बना रहा हूँ। कितना एलिमेंट है भाई? ds। वेक्टर कहाँ पे आएगा? इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आएगा? इसी डायरेक्शन में आएगा। अब इसको पहले वाले टॉपिक में कर लेते हैं, जीरो वाले एंगल के साथ बिना वेक्टर के। कर लोगे तो लिख लीजिए, सिंपल है, लिखिए वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज। डायग्राम बना लीजिएगा, चलिए एक बार लिख, दूसरा बना लेना। वी हैव ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ओ। We have a plus Q charge at point O and we want to find out electric field. We want to find out electric field at point P. देखो भी क्लास, आपको प्रूव क्या करना है? Coulomb's law को प्रूव करना है। Coulomb's law क्या था, कुछ याद है आपको फार्मूला Coulomb's law का? F निकालना था 1/4πε0 q1 q2 r² यही है ना। देखो इस लॉ से आप क्या निकाल सकते हो भाई? E निकाल सकते हैं। यस और नो? क्या था Coulomb's law भाई, लिखिए। सॉरी, अकॉर्डिंग टू Gauss law। अब तो प्रूव कर दिया ना, तो डायरेक्ट वैल्यू यूज कर सकता हूँ इसकी में। अकॉर्डिंग टू Gauss law, Gauss law क्या बोलता है? E डॉट डी एस इज इक्वल टू किसके भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है कि नहीं है? E और डी एस में कितना एंगल बन रहा है भाई? जीरो। लिख सकते हैं E डी एस कॉस जीरो भी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है। E को बाहर निकाल सकता हूँ, cos 0 1 हो गया, ये तो निकालना है ना। अंदर क्या बचा? ds एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैंने सही लिखा? यस और नो? ds क्या है? स्मॉल एलिमेंट है भाई, पूरा जोड़ूंगा तो एरिया ऑफ स्फीयर बनेगा। कितना वैल्यू होता है अभी? यहाँ पे होता 4πr² कितना हो गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? क्लियर अप कर दें। हो गया था डायग्राम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम दिस फार्मूला भाई? क्यू बाई 4πε0 r² यही होगी। ऐसे लग रहा आप लोगों ने मेरे पहले टॉपिक उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया भाई। इससे पहले वाला टॉपिक उल्टा कर दिया, पीछे चल रहा हूँ।
वैसे क्या प्रूव कर दिया अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव कर दिया भाई इस लास से। ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। फोर्थ का फार्मूला क्या होता है अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुछ याद है? ई का फार्मूला क्या होता है, एफ बाई क्यू नोट वी। यस सर नो, आपको तो एफ ही निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वी क्लास, क्यू नोट इन टू कर दूं, सही है। एफ का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 क्यू, क्यू नोट बाई आर स्क्वेयर लिख सकता हूँ। क्या ये कॉलम सलाह नहीं है, सही है कि नहीं है? दो चार्ज की गुणा किए गई भाई, Q1 Q2 मान लो, क्या दिक्कत है? यस आर नो, दिस इज द कॉलम सलाह फ्रॉम गॉस लॉ।